2012 वर्ल्ड कप विनर, 2016 वर्ल्ड कप विनर, वो वेस्ट इंडीज टीम जिन्होंने इंडिया को 2016 में घर में आकर जब इंडिया प्राइम में चल रही थी तो वो इंडियन क्रिकेट टीम को हराया, तो आखिर ऐसा क्या हो गया? आज 2023 में वो वेस्ट इंडीज टीम का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। वर्ल्ड कप श्रीलंका से जो जीते थे वेस्ट इंडीज, किसी ने सोचा भी नहीं था कि वेस्ट इंडीज जैसी टीम वो वर्ल्ड कप लेके जाएंगी, और 2016 में कोई मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। एकदम अनबिलीवेबल ये विन थी 2016 की वेस्ट इंडीज की। 2016 के वो वर्ल्ड कप विनिंग मोमेंट्स, स्टार्टिंग में साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड जैसी बड़ी बड़ी टीमों को ग्रुप स्टेज में हराना, अफगानिस्तान से जरूर हार गए थे 6 रन से, लेकिन उसके बाद सेमीफाइनल में इंडिया को इंडिया में हराना, वो इंडियन क्रिकेट फैंस भी मतलब वेस्ट इंडीज़ को ऐसे सपोर्ट करते हैं कि क्योंकि वेस्ट इंडीज़ डिजर्व करते थे वो जीतना। फाइनल में जैसे ब्रैडफोर्ड के वो 4 छक्के, बेन स्टोक्स का करियर जरूर एकदम एंड पे आया था, फिर वहाँ से बेन स्टोक्स राइज हुए और वेस्ट इंडीज़ का डाउनफॉल। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ वर्सेज पाकिस्तान की वो सीरीज हुई थी जो डिसाइड करने वाली थी कि चैम्पियन ट्रॉफी 2017 इंग्लैंड के लिए, वो दोनों टीम में से जो सीरीज़ मतलब जीतने वाली थी वो टीम जाने वाली थी चैम्पियन ट्रॉफी में, और अनफॉर्चुनेटली वेस्ट इंडीज़ वो सीरीज़ पाकिस्तान से हार गई थी। और क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के वो मतलब आधे से ज़्यादा टीम ही पूरी यंग थी, पाकिस्तान की भी यंग थी, वो अलग पॉइंट है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की उनसे ज़्यादा मतलब यंग थी क्योंकि वर्ल्ड कप जीत के आए थे और सारे प्लेयर्स वेस्ट इंडीज़ को छोड़ के गए थे, क्योंकि सैमी ने उसके बाद छोड़ दिया, फिर नारायण ने छोड़ दिया, और कार्लोस ब्रैडफोर्ड भी हमें कैप्टनसी करते हुए नजर आए थे। उसके बाद पाकिस्तान सीरीज़ के बाद इंडिया सीरीज़ हुई थी, उसमें कार्लोस हमें कैप्टन दिखे थे और उसके बाद कार्लोस ने भी छोड़ दिया। ये तीन बड़े नाम रिटायर हो गए, मतलब ये तीनों प्लेयर्स, नारायण तो खैर वो बाद में बात करेंगे, लेकिन ये तीनों ने छोड़ दिया। उसके बाद भी 4 बड़े नाम थे अब तक वेस्ट इंडीज़ के साथ, लेकिन वो 4 बड़े नामों ने भी थोड़ा साथ दिया वेस्ट इंडीज़ का और फिर एकदम से छोड़ के गए, फिर वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। 2017-18 का वो ओल्ड जनरेशन और यंग जनरेशन का जैसे ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं ना, वो पीरियड हमें दिखा, जैसे कि वेस्ट इंडीज़ के ओल्ड प्लेयर्स भी वेस्ट इंडीज़ का हिस्सा थे लास्ट तक, और फिर जो यंग प्लेयर्स है जैसे कि शिमरन एडमायर हो गए, निकलस पूरन, शाय होप, इनको वेस्ट इंडीज़ ने मौका देना शुरू किया और इन्हें भी बिल्ड किया वेस्ट इंडीज़ ने, और शेल्डन कॉटरिल, ओशन थॉमस, इनका भी करियर वहाँ से शुरू हुआ, अनफॉर्चुनेटली ख़त्म बाद में फिर से हुआ, लेकिन ये पीरियड भी हमें दिखा था। फिर 2019 का वर्ल्ड कप, फिर उसके बाद जैसे कि 2019 इंग्लैंड वर्ल्ड कप, जैसे कि सबको पता है वेस्ट इंडीज़ ने साइन किया आंद्रे रसल को, और आंद्रे रसल और कार्लोस ब्रैडफोर्ड और क्रिस गेल, ये तीन मेन प्लेयर तो वेस्ट इंडीज़ के चले गए थे, लेकिन उसके साथ वेस्ट इंडीज़ के सारे यंग प्लेयर थे और यंग टैलेंट के पहला मैच पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ ने वन साइडेड हराया, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से क्लोज मार्जिन से, न्यूजीलैंड से क्लोज मार्जिन से, और इंडिया से वन साइडेड हार गए थे, और वहाँ वेस्ट इंडीज़ का तो सफ़र ख़त्म हो गया था। लेकिन उसके बाद 2020 का पीरियड आया जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने 2020 में T20 वर्ल्ड कप हुआ, 2021 में T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें वेस्ट इंडीज़ ने सारे पूरे स्टार प्लेयर को लास्ट टाइम खेलते हुए सारे स्टार प्लेयर हमें दिखे थे, क्योंकि कायरन पोलार्ड थे जिसमें, ड्वेन ब्रावो थे जिसमें, आंद्रे रसल थे जिसमें, क्रिस गेल थे जिसमें, सिर्फ सुनील नारायण नहीं थे, वो भी क्यों नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट का ये कहना है, क्रिकेट फैंस का ये कहना है कि सुनील नारायण 2016 वर्ल्ड कप से मतलब 2016 वर्ल्ड कप से सुनील नारायण काफ़ी अपसेट नाखुश थे वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड से, क्योंकि 2016 वर्ल्ड कप में जैसे कि आपको पता है इंडिया में वर्ल्ड कप था, स्पिन तो इंडिया में कैसे होती है आपको पता है, तो सुलेमान बेन और सैमुअल बद्री, ये दो प्लेयर्स को बस इंडिया ने, ये दो स्पिनर्स को बस इंडिया वर्ल्ड कप के लिए वेस्ट इंडीज़ लेके गए थे, और नारायण का ये वर्ल्ड कप में नाम ही नहीं था। तो बहुत सारे क्रिकेट फैंस ये कहते हैं कि नारायण इस वजह से वेस्ट इंडीज़ टीम को छोड़ दिए थे, उसके बाद भले एक साल ज़रूर हिस्सा थे, एक साल भी नहीं, एक महीना ही हिस्सा थे, तो ये मेन कारण है नारायण का छोड़ने का, ऐसे एग्री भी करते बहुत सारे क्रिकेट फैंस, क्योंकि ऑब्वियसली नारायण जैसे स्टार प्लेयर वेस्ट इंडीज़ का हिस्सा ना होना, ये फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ को झटका पड़ा, क्योंकि 2021 वर्ल्ड कप, 2022 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, नारायण की सख्त ज़रूरत थी वेस्ट इंडीज़ को। नारायण भले फॉर्म में भी थे, जैसे कि ऑदर्स लीग में नारायण तो कैसे खेलते हैं हम सबको पता है, तो वो एक मेन पॉइंट था कि वेस्ट इंडीज़ नारायण को नहीं लेके गए। और आंद्रे रसल भी क्यों नहीं थे वेस्ट इंडीज़ में, वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में जैसे बताया था कि वेस्ट इंडीज़ के कोच फिल साइमन और आंद्रे रसल के बीच झगड़ा हो गया था, इसलिए आंद्रे रसल वेस्ट इंडीज़ को छोड़कर चले गए। फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ 2022 T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी, और उसके बाद
अभी 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप से वेस्ट इंडीज बाहर हो गई है। ये पहला मतलब क्रिकेट इतिहास में, पूरे क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि वेस्ट इंडीज ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाली है। उसके बाद डैरेन सैमी जरूर गए थे कि आंद्रे रसल और सुनील नारायण को वेस्ट इंडीज क्रिकेट में मौका मिलेगा और उनकी बात चल रही है ऐसे उन्होंने कहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं वर्ल्ड कप के लिए। और आंद्रे रसल और सुनील नारायण ये दोनों लीग्स खेलने में बहुत बिजी है, जैसे कि यूएसए लीग, आईपीएल, सीपीएल, बीवीएल, पीएसएल, ये सारे लीग में आंद्रे रसल और सुनील नारायण काफ़ी बिजी है। और नाइट राइडर्स ने भी इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है पूरे एक साल का, जिसमें नाइट राइडर्स का जो सारी चार टीम है, जैसे नाइट राइडर्स टीकेआर, केकेआर और एडीकेआर, एलएकेआर, उनको क्रिकेट खेलने के लिए एक साल के लिए पैसे देने वाली है। तो ये भी वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के लिए नुकसान वाली बात थी, लेकिन वेस्ट इंडीज़ क्वालिफाई नहीं हो पाई। तो अब वेस्ट इंडीज़ का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है, लेकिन अब आगे देखना होगा फ्यूचर में। इन फ्यूचर सिमरन एडमायर है, निकलस पूरन है और शाय होप है, ये तीन बड़े नाम वेस्ट इंडीज़ को ऊपर तक लेके जा सकते हैं। लेकिन वो ऊपर तक वेस्ट इंडीज़ आएंगी या नहीं आएंगी, नीचे आप कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो या ना करो, वो सब्सक्राइब वाले बटन को ज़रूर दबा देना ताकि हमारी फैमिली भी थोड़ी बढ़ सके। तो मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।